हेलो गाइस, आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक पाइन एप्पल, और वो भी पेपर से। हाँ ठीक ही सुना है आप लोग, ये एक पेपर क्राफ्ट है जो होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए सिंपल येलो A4 पेपर और ग्रीन पेपर, एक सीज़र मतलब कैंची और फेविकॉल की ग्लू। तो पहले आप पेपर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके कट कीजिए ऐसे ही, आप एक पीस बना लेना। उसके बाद इनको ऐसे छोटे छोटे पीस में फोल्ड कर लो। उसके बाद ये सब मार्क कर लो हर फोल्डिंग लाइन पे और लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद ये सब मार्क करके उन लाइन पे ऐसे ग्लू डाल लो, और ग्लू डालना है सिर्फ आपको 2, 4 और 6 नंबर पे, और इसको अच्छे से चिपका दो। उसके बाद ऊपरी वाले हिस्से में 1, 3, 5 और 7 नंबर पे ग्लू लगाओ, और ये जो 8 पीसेस आपने रेडी किए हैं इन सभी को एक साथ चिपका दो। ऐसे ही फोल्ड करके और कट करके 2 और 8 पीस जोड़ के आपको और 2 पीस बनाना है ऐसे ही। उसके बाद ये सब आपको एक साथ एक बार में मिला देना है, वो भी बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और अपने जो ग्रीन पेपर रखी है उसको हम लीफ बनाएंगे, तो उसको ऐसे पहले आप पाइनएप्पल के लीफ की तरह ड्रॉ कर लीजिए, और उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके कट कर लीजिए जैसे वो फ्रेश दिखने लगे लीफ की तरह। और उसके बाद ऐसे 3-4 टुकड़े और बना लीजिए, और इन सब को ग्लू से अच्छे से चिपका लीजिए ताकि ये अच्छे से चिपका रहे। जब आप पाइनएप्पल को रेडी करेंगे उसके बीच वाले हिस्से में जो फोल्ड रहेगा, जो छेद रहेगा, उसके बीच में आप ये उनको बिठा सकते हैं ग्लू से। तो फाइनली जो आपको ये सब 8 पीस के 3 टुकड़े जो मिल गए, इन सबको जोड़ जोड़ के अब फाइनली एडेसिव यूज़ करके और उसके और फेविकॉल यूज़ करके आप सबको एक साथ जोड़ दीजिए, और इनको ऐसे फोल्ड कीजिए। देखिए आपके पाइनएप्पल रेडी है। अब इसके बीच में लिप को बिठा दीजिए और ग्लू से लगा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को।